नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadkanama.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं हरियाणा के सिरसा में। भावदीन टोल प्लाजा की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कल घरोंडा के पास बस्ताड़ा जो टोल है वो पुलिस ने खाली करवाया। और चूँकि भावदीन टोल प्लाजा पे लंबे समय से जो किसानों का पड़ाव चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, किसानों को ये आभास हुआ कि कहीं पुलिस है टोल को जो है पर्ची, जो मुक्त टोल चल रहा है पर्ची ना शुरू कर दे, टोल शुरू ना कर दे और किसानों का जो पड़ाव लंबे समय से चल रहा है उस पर कोई इस तरह की वो चीज़ ना हो, उसको लेकर के आज सुबह ही जो है टोल के आसपास विभिन्न गाँव में हालांकि अनाउंसमेंट भी की गई है। और आज अन्य दिनों की अपेक्षा वो आज किसान है वो अधिक संख्या में इस टोल पे पहुंचा है। हालांकि भारी पुलिस बल भी यहां तैनात है, जो रूटीन में पुलिस होती है उससे कहीं ज़्यादा पुलिस आज तैनात है। हमारे साथ किसान नेता हैं रोशन सुचान, हम इनसे चर्चा करते हैं क्योंकि लगातार रोशन हैं जो भावदीन टोल प्लाजा पर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, गाँव में ट्रैक्टर मार्च भी निकाल रहे हैं और इस किसान आंदोलन को गति दे रहे हैं। रोशन जी, क्या लग रहा है जिस तरह से आज इलाके में अनाउंसमेंट की गई, किसान आज पहले की अपेक्षा कुछ ज़्यादा पहुंचा है? देखो जी, जैसे आपने पहले बताया जी कि घरोंडा के पास जो टोल प्लाजा था जी, सरकार ने उसको पर्ची मुक्त किया हुआ था और उसको दोबारा से बहाल करवाने की नाकाम कोशिश की, उसके ऊपर दोबारा किसानों ने पहुंच करके फिर से पक्का मोर्चा स्थापित कर दिया। तो इसी तरीके से हम रात को ही हलचल देख रहे थे यहाँ पे, रात को ही पुलिस का यहाँ पे जमना शुरू हो गया, सुबह भी वो लोग आए और जो टोल प्लाजा के इंजीनियर हैं वो भी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर पहुँच करके टोल को शुरू करने का उनका प्लान था। तो जैसे ये पता लगा इनको तो हम संयुक्त किसान मोर्चा सरसा की ओर से गांवों के अंदर गई, अनाउंसमेंट करवाई। तो यहाँ पे अब रानिया से लेके डबवाली तक के लोग जो हैं यहाँ पे अब जुटने शुरू हो चुके हैं और जुट भी रहे हैं जी, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चे ने कहा है कि ये टोल प्लाजा का कार्यक्रम सिर्फ 26 का नहीं है, ये अनिश्चितकालीन है और जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते तब तक ये टोल पर्ची मुक्त रहेगा और जो पक्का मोर्चा है भावदीन टोल प्लाजा पे ये चलता रहेगा। तो उनकी साजिश को नाकाम करने के लिए शांतिपूर्वक यहाँ पे सभी लोग, आप देख रहे हैं महिलाएँ भी हैं, बच्चे भी हैं, नौजवान भी हैं, किसान भी हैं, मजदूर हैं, तो वो सारे यहाँ पर अब जुट चुके हैं। तो हमने प्रशासन को भी यहाँ पर अल्टीमेटम दे दिया है कि आप लोग इस तरह की कोशिश मत करो, हम टकराव नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं और शांति से ही यहाँ पे हमारा धरना चल रहा है, पक्का मोर्चा चल रहा है, आप इसे हटाने की कोशिश मत करो। तो इसलिए सारे लोग यहाँ जुटे हुए हैं। जो संयुक्त किसान मोर्चे का हमें हुक्म होगा, जो वहाँ से हमें अपील जारी होगी उसके ऊपर हम सभी लोग पहरा देंगे और दे रहे हैं। तो इसलिए टोल को पर्ची मुक्त है, पर्ची मुक्त रहेगा जब तक संयुक्त किसान मोर्चा चाहेगा। तो 26 को जिस तरह ट्रैक्टर परेड हुई, अब आगामी किसानों का क्या निर्णय रहेगा जो है इस संघर्ष को लेकर? ये संघर्ष लंबा चलने वाला है क्योंकि आपको पता बातचीत टूट चुकी है, सरकार ने इसको विफल करने के लिए अपनी साजिश रचते हुए जो लाल किले के ऊपर हुआ, आप सभी लोग जानते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा ने जो तीन रूट बनाए थे उन तीन रूट के ऊपर जाके ही किसानों ने लाखों की संख्या से के अंदर कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक वहां पे पहुंचे और इतिहास रचा गया। आज़ादी के बाद पहली बार अन्नदाता, असली जो गणतंत्र है, असली जो आवाम है, उन्होंने 26 जनवरी को तिरंगा हाथ में लेके और एक हाथ में किसानों का झंडा लेके उन्होंने मार्च किया। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार संयुक्त किसान मोर्चा के खिलाफ बोलते रहे, दीप सिद्धू जैसे लोग, एक गैंगस्टर है, आप सभी लोग उस चीज़ को जानते हैं, उन लोगों ने कुछ नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश की, लगातार संयुक्त मोर्चा के खिलाफ बोलते रहे और स्टेजों के ऊपर भी संयुक्त किसान मोर्चा ने उनको बोलने नहीं दिया, वो गुमराह करके साजिश करके उन लोगों वो लोगों को लाल किले तक लेके गए, वहाँ कोई कार्यक्रम ही नहीं था। और जो गोदी मीडिया, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप जनता के लिए काम कर रहे हैं, मैं आपके चैनल को भी बधाई दूंगा। सोशल मीडिया आज के टाइम में दूसरे गोदी मीडिया से ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। तो इसलिए गोदी मीडिया बेशक कुछ भी दिखाता रहे, वो सरकारी हिंसा को नहीं दिखाएगा, किस तरह से वहाँ लाठियाँ जो हैं किसानों के ऊपर चलाई गई, आंसू गैस के गोले दागे गए
शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे किसानों को वहाँ बेरहमी से पीटा गया, इसकी जो बाइट है वो वहाँ पे नहीं दिखाएंगे, इसके विजुअल नहीं दिखाएंगे वो लोग। तो इसलिए सोशल मीडिया ने जो है उस चीज़ का पर्दाफाश किया वहाँ पे कि किस तरह से सरकारी हिंसा हुई। किसानों का, संयुक्त किसान मोर्चे का लाल किला जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था। तो इसलिए वो लोग जो इस आंदोलन को दूसरी दिशा देना चाहते थे सरकार के साथ मिलकर के, उनका पर्दाफाश हो चुका है और उनकी तारें जो हैं वो सोशल मीडिया के अंदर आ गई हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट थे, उनके लिए काम करते थे, लोगों को गुमराह करके आंदोलन की दिशा उधर मोड़ना चाहते थे। लेकिन किसान जो हैं वो अब जाग चुके हैं, देश जाग चुका है और उन इस साजिश को जनता ने बेनकाब कर दिया। ये आंदोलन अब कमज़ोर होने वाला नहीं है, ये आंदोलन जो है वो और ज़्यादा तेज़ होगा क्योंकि अनवांटेड एलिमेंट इससे छटते जा रहे हैं और असली जो लड़ने वाले संयुक्त किसान मोर्चा के जो घटक दल हैं 500 पूरे देश के, 40 पंजाब हरियाणा के, उनके बैनर के नीचे ये आंदोलन चलेगा और जीत को प्राप्त करेगा। धन्यवाद किसान मजदूर एकता। तो आपने सुना रोशन सुचान को, लगातार हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम इन किसानों की आवाज़ सरकार तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।